You're watching Ahmednagar City Channel. प्रभाग क्रमांक 12 मधील पाचलिंब गल्ली येथील रहिवासी नागरिकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतोय. मागील अनेक वर्षांपासून या ठिकाणच्या रस्त्याच्या कामाचा मुहूर्त लागत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी असल्याचं समजतं. परंतु आता पिण्याच्या पाण्याची देखील समस्या उद्भवली आहे. पिण्यासाठी येणारे पाणी काळं आणि खराब येत आहे. सांडपाणी येत असल्याने स्थानिक रहिवाशांना मोठ्या त्रासाला सामोरं जावं लागतंय. या समस्येतून बाहेर पडण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांनी एटीव्ही न्यूजला संपर्क साधून आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. चंद्रकांत यशवंत गायकवाड, पाचलिंब गल्ली. 6 महीने से गल्ली में का ड्रेनेज का काम करे लेकिन रोड का काम करे नहीं है. और हमेशा शुरू में गंदा पानी आता, उसके बारे में हमेशा बोल रहे, खाली बोलते करेंगे करेंगे करके बोलते करते तो नहीं. नमस्ते, मेरा नाम भावेश अशोक कुमार डाबी है. कुछ साल से सड़क बहुत गंदी है और यहाँ पे अभी बारिश का मौसम है तो जैसे कि अभी बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और बच्चे अच्छे खेलते हैं यहाँ पे, तो उनको डेंगू वेंगू होता है. लास्ट टाइम मुझे डेंगू हुआ था. और यहाँ पे पानी की बहुत समस्या आती है, पानी बहुत गंदा आता है और बहुत कम आता है. हम लोग पाचलिंब गली में रहते, गली का बना नहीं बोले, 5-6 महीने से गली खोद के रखे पर उसको बना रहे नहीं. अभी तक चलने फिरने में तकलीफ होती, बच्चे लोग गिरते खेलते टाइम, और पानी भी हम लोग को 2-3 साल से पानी की तकलीफ है. पानी शुरुआत में पहले थोड़ा गंदा आता और बाद में एक 10-15 मिनट ही पानी मिलता और चले जाता, पानी पूरा मिलता नहीं. वो कौन लोग को हम बार बार फ़ोन करके बोलते, वहाँ जाके भी बोले हम लोग ने, तो उन लोग कुछ पूरा काम नहीं.